गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। पुलिस कर्मचारी ने छुट्टी मांगने के लिए पत्नी की धमकी को बनाया है हथियार, हो गई कार्रवाई। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सरकारी जॉब हर कोई पाना चाहता है। सरकारी जॉब पाने के बाद जब छुट्टी लेने का वक्त आता है तब वहां पर आपको अर्जी देनी पड़ती है। वो कभी अर्जी खारिज भी हो जाती है और कभी एक्सेप्ट भी हो जाती है। इस दौरान ही भोपाल की ट्रैफिक पुलिस से हमारे सामने एक ऐसा मामला आया है जहां पर एक जवान ने, एक पुलिस कांस्टेबल ने एक्चुअली में छुट्टी लेने के लिए अपनी पत्नी की धमकी को आगे रखा और उन्होंने ये चीज बताई कि धमकी के कारण मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। क्या बोला उन्होंने, चलिए हम आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये चीज बताया जा रहा है कि कांस्टेबल दिलीप कुमार जो है वो भोपाल के जो कि भोपाल कांस्टेबल है, भोपाल में कांस्टेबल है, 11 दिसंबर को उनके एक्चुअली पत्नी की भाई की शादी है और उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही, जिसके कारण उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, एक अनुरोध किया कि मुझे छुट्टी दे दी जाए जल्द से जल्द, कि अगर मैं वहां पर नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी ने धमकी दी है कि कुछ हो सकता है, इसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। जिसके कारण ये चिट्ठी लिखने के बाद एक्चुअली में वहां के जो DIG हैं इरशाद अली, उन्होंने बोला कि ये जो कांस्टेबल ने ये सब चीजें लिखी है इसके बारे में वो और जानना चाहते हैं, कांस्टेबल को जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाया जाए और उसको मेरे सामने पेश किया जाए। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी काफी ज्यादा मजेदार लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।